खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। जी हाँ, जहाँ आप पाएंगे टोटल प्रीमियम रेंज के फैन, ब्रांडेड कंपनी के गैस चूल्हे और चिमनिया, ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांडेड कंपनियों के वाटर हीटर, गीजर के साथ ही नोट गिनने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की विस्तृत रेंज। पता, फूल गली खुशलाणी रेडियो के सामने, खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। मोबाइल नंबर लव तेजवानी 8989420000 और नितिन तेजवानी 9826391234। खंडवा रेलवे स्टेशन पर आज दो बच्चे लिफ्ट में फंस गए। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद रेलवे की टीम ने रेस्क्यू कर दोनों बच्चों को बाहर निकाला। इस दौरान बच्चे काफी परेशान हो गए। बच्चों के परिजनों ने स्टेशन मास्टर से इसकी शिकायत कर रेलवे पर लापरवाही के आरोप लगाए। इस आपाधापी में बच्चों की ट्रेन भी निकल गई। इसके बाद स्टेशन मास्टर ने दोनों बच्चों की दूसरी ट्रेन से जाने की व्यवस्था की। परिजन फिर भी नहीं माने और इसकी लिखित शिकायत स्टेशन मास्टर और जीआरपी में करने की बात कही। खंडवा के सिंधी कॉलोनी के रहने वाले यह दोनों बच्चे खंडवा से पुणे जा रहे थे। इसी दौरान स्टेशन पर लगे लिफ्ट में सवार हो गए। लिफ्ट में टेक्निकल इश्यू होने के कारण यह लिफ्ट में फंस गए। फंसने के बाद उन्होंने तुरंत अपने परिजनों को फोन कर लिफ्ट में फंसे होने की जानकारी दी। परिजन तुरंत स्टेशन पर पहुंचे। इस दौरान रेलवे की टीम ने जीआरपी पुलिस के साथ मिलकर करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद बच्चों को सही सलामत सुरक्षित लिफ्ट से बाहर निकाला। इसके बाद परिजन सो के साथ यह बच्चे स्टेशन मास्टर से शिकायत करने पहुंचे। परिजनों का कहना है कि यह रेलवे की लापरवाही है। बच्चे डर गए, करीब एक घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे, इस वजह से उनकी ट्रेन भी छूट गई। हालांकि स्टेशन मास्टर ने दोनों बच्चों को दूसरी ट्रेन से भेजने की बात कही, लेकिन परिजन इसे रेलवे की लापरवाही बताते हुए शिकायत पर ले रहे हैं। इस पूरे मामले पर रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास जैसे ही बच्चों के लिफ्ट में फंसने की सूचना मिली, हमने तुरंत ड्यूटी टीम को मौके पर भेजा। 15 मिनट में हमारी टीम ने बच्चों को लिफ्ट से सुरक्षित निकाला। दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। लिफ्ट में टेक्निकल इशू के प्रॉब्लम के चलते दिक्कत आई थी। लिफ्ट में ऊपर आ रही थी, मैं नीचे जा रही थी। हमने लिफ्ट को रेस्क्यू मोड पर डाल के दोनों बच्चों को सुरक्षित निकाला। दरअसल सीढ़ियों से जाने की जगह मैं लिफ्ट से जाने की कोशिश कर रहा था, तो मैं जैसे कि लिफ्ट में गया, तो लिफ्ट में जा रहा था तो मैंने 0 नंबर दबाया ग्राउंड फ्लोर, तो लिफ्ट बराबर बंद नहीं हुई। मैंने गैप था आधा एक फुट का और लिफ्ट नीचे जाने लगी, तो एकदम से झटके दे के लिफ्ट वहाँ बंद हो गई और अंदर एकदम सांस लेने में भी दिक्कत जा रही थी। अंदर बहुत परेशानी हो रही थी अंदर। मैंने 1 से 1.5 घंटा हम फंसे रहे अंदर। 1 बजे हम लिफ्ट से नीचे जा रहे थे और 2:15 बजे निकले। हमारी ट्रेन पौने 2 बजे थी। क्या कहीं शिकायत करेंगे? शिकायत करेंगे अभी। अभी लिखित में अभी हम 2 लोग थे। हमारा भतीजा आज खंडवा से पुणे जा रहे थे ट्रेन से। 2 बजे की ट्रेन थी उनकी 0116। उनमें लिफ्ट में चढ़े थे 1 घंटा पहले। वो लिफ्ट आधी खुली थी और एकदम से ऊपर नीचे होना शुरू हो गई और बच्चे फंस गए थे। जब उन्होंने बताया फ़ोन करके तो मैं दौड़ते हुए उनके पास आया। मैं घर पे बैठा हुआ था। यहाँ पे बिल्कुल लापरवाही थी और करीबन 1.25 घंटे के बाद कैसे तैसे करके उनको निकाला। बच्चे अंदर बहुत घबरा गए थे और उनकी ट्रेन भी निकल गई। ये जो व्यवस्था एकदम ख़राब है रेलवे की, और हम उचित कार्रवाई करने की मांग करते हैं। आज हमने शिकायत भी करी है, अभी लिखित में शिकायत करी है रेल मंडल को, अभी जीआरपी थाने में उसके बाद शिकायत करेंगे। घटनाक्रम हमारे पास में डिप्टी एसएस कमर्शियल का कॉल आया कि 2 बच्चे उसमें लिफ्ट में फंस गए हैं, जिनकी उम्र 18 साल और 21 साल थी। तो हमने तुरंत जो ऑन ड्यूटी स्टाफ था उसको भेजा, उन्होंने तुरंत आकर रेस्क्यू किया और विद इन 15 मिनट में उसको बाहर निकाल लिया। उसमें टेक्निकल फॉल्ट आने के कारण लिफ्ट क्लोज हो गई थी, ना तो ऊपर आ रही थी ना, और जो बच्चे थे उन्होंने दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश में उसका एक पार्ट टूट गया था, इसलिए वो कॉन्टेक्ट नहीं मिल पाया। फिर हमने उसको रेस्क्यू मोड पर डाल के उसको बच्चों को बाहर निकाला और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई। वो अभी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।